फाइंड द इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 15 बाय एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13। एल इनवर्स 15 बाय एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13 इक्वल टू एल इनवर्स। अब जो हमारा डिनोमिनेटर था एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एस प्लस 2 पर स्क्वायर प्लस 9। अब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमारा क्या था? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी था एल इनवर्स एफ बार एस माइनस ए इक्वल टू ए टू द पावर, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से आप देख सकते हैं ए टी एफ टी, वेयर एफ टी को आप लोग क्या कह सकते हैं, इट इज इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ बार एस। अब यहां में हम लोग देख रहे हैं एस प्लस 2 पर स्क्वायर प्लस 9 के फॉर्म में मैंने स्प्लिट करके इसको लिखा है। अगर मैं इससे कंपेयर करता हूं तो ये कैसा फंक्शन होता है, एस माइनस, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस 2 स्क्वायर प्लस 9, ऐसा लिखा जा सकता है इसे। इट मीन्स ए का वैल्यू हो गया हमारा माइनस 2, ए इक्वल टू माइनस 2। इसलिए इस प्रॉपर्टी को अगर आप यूज करते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को, तो दिस कैन बी रिटन बाय ई टू दी पावर माइनस 2t, मीन्स ई टू दी पावर ए टी के बदले में लिखा ई टू दी पावर माइनस 2t, एल इनवर्स 15 बाय पी स्क्वायर प्लस 9, जो एफ टी होता था एफ टी को हम लोग लिख सकते हैं एल इनवर्स एफ बार एस। अब यह हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है 1 बाय एस स्क्वायर प्लस 9 के फॉर्म में, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया 1 बाय ए साइन 3 थीटा। देयरफॉर इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 2 बाय टी, आप इसको 5 से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मीन्स हम लोग लिख सकते हैं एल इनवर्स 15 बाय एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13 इक्वल टू 5 e की पावर माइनस 2t इंटू साइन 3t। फाइंड द इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ बार एस, वेयर एफ बार एस इज डिफाइंड बाय 2s स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बाय एस क्यू माइनस 6s स्क्वायर प्लस 11s माइनस 6। वी हैव टू फाइंड आउट द इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन एफ बार एस। सो आवर फर्स्ट स्टेप इज, हम लोगों ने डिनोमिनेटर को पहले फैक्टराइज कर दिया, फैक्टर इसका हो गया एस माइनस 1, एस माइनस 2, एस माइनस 3। अब पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके इसको स्प्लिट कर दिए छोटे छोटे फ्रैक्शन में, जो हमारा हो गया 1 बाय 2 एस माइनस 1 माइनस 1 बाय 2 एस माइनस 2 प्लस 5 बाय 2 एस माइनस 3। अब इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं इसका, लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म यूज कर रहे हैं, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन 1 बाय 2 इंटू 1 बाय एस माइनस 1 माइनस इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 बाय एस माइनस 2 प्लस 5 बाय 2 इंटू इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 बाय एस माइनस 3। ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला को जब आप देखेंगे, सारा किस फॉर्मूला से पर बेस्ड है, यह एल इनवर्स 1 बाय एस माइनस ए एल इनवर्स इक्वल टू ई टू दी पावर ए टी, उस प्रॉपर्टी को यूज किया गया है। तो मुझे मिल रहा है फर्स्ट के लिए 1 बाय 2 ई टू दी पावर टी माइनस ई टू दी पावर 2t इसके लिए, और इसके लिए हो जाएगा ई टू दी पावर 3t। अगर आप इस फॉर्मूला में अप्लाई इसको कर रहे हैं ई टू दी पावर 3t मीन्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ बार एस, इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ बार एस इक्वल टू 1 बाय 2 ई टू दी पावर टी माइनस ई टू दी पावर 2t प्लस 5 बाय 2 ई की पावर 3t।